नमस्कार दोस्तों, स्टार 7 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। और आइए आपको कुछ खास खबर से रूबरू कराते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की। मिर्जापुर में लालगंज के क्षेत्राधिकारी भानु प्रकाश जी के द्वारा सराहनीय कार्य। आपको बता दें, जब से कोरोना को लेकर पूरे भारत में लॉकडाउन का कार्य किया गया, तब से किसी न किसी ग्राम सभा में, वह चाहे जंगल में बसे हो या पहाड़ के मध्य, ऐसे गरीब व्यक्तियों के बीच इनकी उपस्थिति लगातार होती रही है। आप जानकर हैरत में रह जाएंगे कि आज माननीय भानु प्रकाश जी की टाइफाइड से तबीयत खराब होने के बाद भी इन्होंने दवा खाकर जंगल पहाड़ के मध्य में स्थित ऐसे कई ग्राम सभा में पहुंचे, जहां अभी तक खाने पीने की व्यवस्था नहीं पहुंची थी। आज़ादी के 70 साल बाद भी इस क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव बारीपुर की अत्यंत गरीब आदिवासी और दलित बंधुओं के नाम भारत की मतदाता सूची, राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित किसी भी अभिलेखों में आज तक दर्ज नहीं हो पाए हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र जरूरी दस्तावेजों के अभाव में प्रशासन शासन द्वारा प्रदत्त लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। अशिक्षा, शोषण, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, उनके मध्य फैली अनेक कुरीतियां इनके पिछड़ने का मुख्य कारण है। क्षेत्राधिकारी द्वारा इन गरीब व्यक्तियों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं व खाने की सामग्री उपलब्ध कराई गई और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जरूरत की बातों को जानकारी के रूप में दिया गया। साथ साथ उन सभी गरीब व्यक्तियों को जरूरत की कागजात बनवाने के लिए दिशा निर्देशित भी किया गया। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। दवा खा रहा हूँ, दवा लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी जाऊंगा मैं वहाँ जहाँ मेरी जरूरत है। धन्यवाद। मैं सीओ लालगंज उपस्थित हूँ इस समय फतेह गांव, ये कौन से लालगंज ब्लॉक में पड़ता है, लालगंज ब्लॉक में आता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे वनवासी बंधु, इनको मैंने आज नक्सलाइट से संबंधित, क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित, कोटेरा से संबंधित, प्रधान से संबंधित, कोरोना से संबंधित, इनको पोस्टरों के माध्यम से, ये मैं नशा मुक्ति के बारे में, इनकी शोषण के बारे में इनको जागरूक किया। और इसके बाद अपनी तरफ से जो भी मेरे पास में बन पड़ा, अपनी मैं कुछ खाद्य सामग्री लेके आया हूँ, वो इनको वितरित करूंगा। मैं आज उपस्थित हूँ और इनके बाद में मेरा इनसे प्रश्नोत्तर संवाद होगा। मैं इनसे इनकी समस्याएं पूछूंगा, जैसे कि हमारा ये पोस्टर लगा हुआ है, आपकी पुलिस आपके लिए आपके गांव में, ये कोरोना वाले पे लगा हुआ है, आपकी पुलिस आपके लिए आपके गांव में, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, आप खोल करिए, हम खुद आएंगे आपके पास में, 112 नंबर आती है, अगर वो काम नहीं करते तो पुलिस सीओ का नंबर आपको दे रहा हूँ, आप उसमें काम करेंगे।